नमस्कार दोस्तों, ज्वाला टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी अपनी पीसीबी प्रिंटिंग करूँगा और वो किस तरीके से होता है तो मैं बताऊँगा आपको कि इसका फ्रेम कैसे बनता है, कोटिंग किस तरीके से की जाती है और क्या क्या सामान की जरूरत होती है। सबसे पहले जो जरूरत होती है हमें एक फ्रेम होता है हमारा, मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरीके का फ्रेम होता है हमारा एक, इस पर कोटिंग की जाती है। ठीक है, इस फ्रेम को कोटिंग करने के बाद कोटिंग किस चीज़ होती है वो बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा सुपर कोट होता है, सुपर कोट बोला जाता है इसे। ये स्क्रीन प्रिंटिंग की दुकान मिलेगा आपको। और ये एक शीशी होती है, इसे बोलते हैं डेक्रमेंट सेंसिटाइजर। ठीक है, देखिए डेक्रमेंट सेंसिटाइजर होता है, इससे ही ये कलर पकता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा कितना मात्रा में मिलाना मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा सुपर कोट हो गया, एक चम्मच सुपर इतना लिया है मैंने, देखो आपको दिख रहा होगा। इसमें हल्का सा हमें डेक्रमेंट सेंसिटाइजर में मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है, इतना काफ़ी है। देखा आपने, मैंने हल्का सा इसमें मिलाया है। अब इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स कर लेते हैं इसे, अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो गया इसका, और जितना आप ज़्यादा डालोगे उतना जल्दी कलर सूखेगा आपका। ठीक है, तो आपको फ़िल्म खोलनी है तो उस तरीके से इतना कलर डालना है आपको कि आपकी फ़िल्म खुल जाए, ख़राब ना हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारा मिल चुका है, मैं आपको कोटिंग करके दिखाता हूँ कोटिंग किस तरीके से होगी इसकी। ठीक है, तो दोस्तों प्रिंटिंग इसकी जो हमारा फ्रेम है इस पर कोटिंग करते हैं। ठीक है, हमने फ्रेम रख दिया, कोटिंग करना चालू करते हैं इसकी। ये हमारा स्टेपर है, दिख रहा होगा आपको स्टेपर है हमारा। कोटिंग किस तरीके करने का दिखा रहा हूँ आपको। स्टेपर को इस तरह से लेना है, हमें कलर कराना है। बस कलर लेना है उसको ऐसे कर देना है। ओके, तो दूसरा ऐसे खेस देना है। ओके, फिर उसके बाद नीचे से खेस देना है। हमें 3-4 कोट करने हैं।
ठीक है, जैसे कि हमारी कोटिंग हो चुकी है, अभी से हम